निकाह ड्रामे में अब आप देखेंगे नदीम युसरा से झूठ बोलता है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, जबकि वो एक क्लब में होता है, और युसरा को झूठ बोलता है कि मैं किसी मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद आया हूँ। वहीं रायना कहती है उमैमा से कि तुमने क्या खोल के पिलाया है दोनों बाप बेटे को। उमैमा कहती है जो तुमने नहीं पिलाया, प्यार मोहब्बत और खलूस। रायना कहती है मैं तुम्हें कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। उस बात पे उमैमा कहती है देखते हैं कौन जीतता है। फिर वहाँ फारूक अब अनुषा की तरफ से मुतमईन होने लगा है और उमैमा से कहता है कि अनुषा की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी है, उसकी शादी में जितना भी खर्चा आएगा सब मैं उठाऊंगा। उधर युसरा और रायना मिलकर उमैमा से बदतमीजी करती हैं और उमैमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उमैमा बेहोश हो जाती है। वहाँ हमदान अनुषा को यकीन दिलाता है कि बाबा मान जाएंगे, अब तुम्हारे साथ उनका रवैया काफ़ी बेहतर हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता और भी मसले हल हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।